हेलो एवरीवन, मेरा नाम निर्मल पांडे है। वेलकम टू एनएस इंजीनियर सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं कि एससीएस 2021 का जो डेट है वो आ चुका है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि एक छोटा सा वीडियो बनाइए जिससे एक ओवरव्यू मिल सके कि किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसको दिमाग में रखनी है, और एक रोडमैप की तरह एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए। तो कुछ मैंने प्रिपेयर किया है, आज इसी पे बेस्ड होगा ये वीडियो। इसके आगे भी जो वीडियोस होंगे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताते चलूंगा कि किस तरीके से आप इस एग्जाम में और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आज एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप दिमाग में रख सकते हैं जो आपको सिलेक्शन में मदद करेगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपके मन में ये आना चाहिए कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारा जो है न्यूज़ ऐसा फैला हुआ है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा माइंडसेट बनाया गया है लोगों के बीच में और एस्पिरेंट्स के बीच में। सबसे पहले तो आपके खुद में आना चाहिए कि आप ये एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो कोई आपको एग्जाम क्लियर करवा ही नहीं सकता। आप जितना भी पढ़ लीजिए वो आप एग्जाम हॉल में जाके आप गलती करेंगे और आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि मैं ये एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कोई भी एग्जाम को क्लियर करने से पहले या फिर उससे पढ़ने से पहले पहले देख लीजिए कि उसके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं सिर्फ सीजीपीएससी एसीएस की बात नहीं करूंगा, सीजीपीएससी में टेक्निकल सिविल के कौन कौन से एग्जाम्स हैं वो सभी पेपर को एनालाइज कीजिए। व्यापार में कौन कौन से पेपर आए हैं वो भी एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है स्टेट में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, या फिर किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करें कि हमारा क्वेश्चंस बने, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे पता चलता है कि हमने गलतियां कहां की है। आप में से बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे नए हैं जो इस बार पहली बार एग्जाम देंगे एससीएस का, या इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे चुके हैं। तो आपको ये पहचानना होगा कि आपने गलतियां कहां की हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप सेम गलतियों को बार बार रिपीट करते चलेंगे। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से जुड़ा हुआ हूं, मैंने एक चीज नोटिस किया है जो सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं कि आप खुद को नहीं चेंज कर रहे हैं, आप वही चीज को फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वही गलतियां करते चल रहे हैं और रिजल्ट अलग होगा ऐसा सोचते हैं। रिजल्ट कहां से अलग होगा? जब आपका अप्रोच वही है, आपका पढ़ाई करने का तरीका वही है, तो कैसे चेंज होगा? तो अपनी गलतियों को पहचानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सा जो है क्वेश्चंस हैं जिसमें आप गलती करते हैं, न्यूमेरिकल में आप गलती कर रहे हैं या आपको याद नहीं हो रहा है, ये चीजों को समझिए। इसके बाद जो है बेस क्लियर। बेस क्लियर मतलब ये कि आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि सब्जेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, तब ना क्वेश्चंस लगाएंगे। बिना सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस कैसे लगा पाएंगे? बेस क्लियर करना जरूरी है। मैं जान सकता हूं कि बीटेक लेवल में आप में से बहुत सारे लोगों का बेस क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको कोर्सेस जो भी है वो देख सकते हैं, आप कहीं से नोट्स उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस बनाने से पहले अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, तब जाके आप क्वेश्चंस बना पाएंगे। अगला है क्वेश्चंस। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन क्या रहता है ना स्टूडेंट्स के मन में कि हम बताएं तब वो उस चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसा हमने मैसेजेस के रूप में देखा है। इसलिए हम खुद से कह रहे हैं कि आप जो जानते हैं ना कि कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से बुक से सॉल्व करने हैं, वो सेम है और कहीं अलग नहीं है। तो क्वेश्चन कहां-कहां सॉल्व करेंगे? एसएससी जेई के, गुप्ता एंड गुप्ता के और ईएससी के। ईएससी मस्ट है, एई के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये दोनों बुक को पढ़ के आप क्लियर कर लेंगे तो नहीं कर सकते। ये दोनों बुक को पढ़ के आप जेई का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एई का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। एसएससी जेई और गुप्ता एंड गुप्ता से आप अपना जेई वाला अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं, मेमोराइजेशन वाला कैपेसिटी ला सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट बिल्डअप आपका ईएससी से ही होगा। ईएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप स्किप करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को स्किप करते हैं ये सोच के कि कहां एसएससी में आएगा। अरे उस रूप में नहीं आएगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पूछेगा। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको कॉपी करके दे देगा? एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी करके नहीं देगा, उसी पॉइंट पे आपको घुमा के कुछ पूछ देगा और थोड़ा सा कंसेप्ट जो आएगा ये याद रखिएगा, जेई से कंपेयर मत कीजिएगा। इसमें कंसेप्ट आएगा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो दो तीन स्टेप में सॉल्व होंगे,
जेई में एक स्टेप वाले आते हैं या मैक्सिमम दो स्टेप वाला, लेकिन एई में आएगा, कंसेप्ट वाले भी आएंगे, घुमावदार भी आएंगे, स्टेटमेंट वाला भी आएगा, 1 2 3 1 2 ये सब, तो ध्यान रखना है आपको। इसको लूप पे चलाना है, एसएससी जेई कर लिए, गुप्ता एंड गुप्ता कर लिए, ईएससी कर लिए, फिर एसएससी में जाइए, गुप्ता एंड गुप्ता कीजिए, ईएससी कीजिए, क्वेश्चंस लगाने हैं, एक बार लगा के नहीं बैठना है। मैंने एक बार एसएससी लगा लिया बस खत्म, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वहीं का आप नहीं बता पाएंगे, तो इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप में करें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं वो ये है कि जब आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस नहीं लगाना है, जहां पे आपको दिक्कत होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में उसको लिखना भी है, लिखने की आदत डालिए। सिर्फ पढ़ लेते हैं मेरे से बन जाएगा, न्यूमेरिकल देख लेते हैं मेरे से बन जाएगा, जब तक पेन उठा के कुछ सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम हॉल में भी वो सॉल्व नहीं होगा, छोटा छोटा गलती करके आ जाएंगे आप। तो क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, सेपरेटली नोट कीजिएगा किसी और कॉपी में, एक शॉर्ट नोट्स की तरह वो हो जाएगा जब आप एग्जाम के करीब पहुंचेंगे। एग्जाम के जब हम करीब पहुंचते हैं ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस लगा चुके होते हैं, हम फिर से पूरा थ्योरी नहीं पढ़ सकते, हम फिर से पूरा क्वेश्चंस नहीं लगा सकते, तो उस वक्त क्या करें? उस वक्त दो चीजें कर सकते हैं। पहला चीज ये कि जो क्वेश्चंस हम लगाए थे और हमको दिक्कत हुआ था, गोला मार के आप रखे थे, उसको कहीं लिखे थे, उसको पढ़िए। उसके अलावा मेडिसी का एक हैंडबुक आता है, एक मेडिसी का हैंडबुक आता है, आपको पता ही होगा, उसमें फॉर्मूलास लिखे होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं, उसको देखिए और जो आपने नोट्स बनाया उसको देखिए, पूरा नोट्स को पढ़ते नहीं रहना है। इसको एक टारगेट फिक्स करना बहुत जरूरी है, दिन का खाम ख्याली से नहीं पढ़ना है, टारगेट होना चाहिए कि मुझे इतने टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये एक तरीका हो सकता है, या आप सोचिए कि मुझे 400 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पहला वाला तरीका ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि बीच में नहीं कटना चाहिए, सोचे कि मुझे इस सब्जेक्ट का जो है 3 टॉपिक कंप्लीट करना है, इसका 3 टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस लगाने हैं जो भी आप लगा रहे हैं, और इस सब्जेक्ट के इतने लगा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट एक साथ रन होने चाहिए, कभी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट दिन भर पढ़ रहे हैं ये सही तरीका नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दिन भर आप जियोटेक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कम से कम 2 सब्जेक्ट पकड़िए। आप जियोटेक पकड़ रहे हैं तो एक साथ सर्वे पकड़ लीजिए। एक तरीका यह हो सकता है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो उसके साथ कोई इजी सब्जेक्ट पकड़िए, ताकि जब आप इजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स करे, क्योंकि वो हम जब तैयारी करते हैं ना तो बहुत ज्यादा हमारे मनोस्थिति पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोच रख रहे हैं एग्जाम के प्रति। हम ज्यादा प्रेशर अगर खुद को देंगे ना तो मेन समय में अपना माइंड धोखा देगा। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि किस तरीके से आप रिलैक्स रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट आपको एक साथ लेके चलना है, 3 लेके चलेंगे तो और बढ़िया है। ईएससी के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने, ये मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, इससे कांसेप्ट जो है क्लियर होता है और एई में आपको काम जरूर आएगा। जेई में बहुत सारा पार्ट होता है मेमोराइजेशन का और उससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन एई में सिर्फ मेमोराइज करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, आपका जब तक कांसेप्ट नहीं होगा आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं एज कंपेयर टू जेई वो ऊपर होते हैं, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंसिंग नॉन टेक एंड टेक। ये एग्जाम सिर्फ टेक्निकल एग्जाम नहीं है, 150 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, 150 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। अगर आपका कोई भी पार्ट कमजोर है आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, अगर आप सिर्फ नॉन टेक पढ़ते जा रहे हैं नहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल वाला इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, एससीएस 2020 के भी मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि नॉन टेक में 125 130 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन टेक्निकल में वही जाके वो 60 65 55 तक पहुंच चुका है, तो कहां से सिलेक्शन होगा? आपको बैलेंस करके रखना पड़ेगा। सेम चीज नॉन टेक्निकल के लिए, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है और आप सोच रहे हैं टेक्निकल के दम पे एग्जाम निकाल लेंगे, नहीं हो सकता, बैलेंस करना होगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को, दोनों का इक्वल वेटेज है, दोनों को इक्वली ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ये था टेक्निकल का, टेक्निकल के मैंने बुक्स बता दी, टेक्निकल को कैसे अप्रोच करना है मैंने बता दिया, कुछ कुछ अगर पॉइंट छूटेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये ओवरव्यू रहेगा ये वीडियो, जिससे ऑलमोस्ट आपको सब चीजें पता चल जाएंगी कि क्या करना चाहिए। नॉन टेक्निकल की बात करें तो सबसे पहले मैं इंडिया जीएस की बात करता हूं। अब देखिए ऐसा है कि आप सेपरेटली टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक उठा सकते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि आप जो ज्योग्राफी है उसके लिए आप बोयल की बुक प्रीफर कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या एनसीईआरटी की प्रीफर कर सकते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आप वरनवाल जी की कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अभी समय कम है,
आपको 2 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको एक प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में जो है अपना प्रिपरेशन को करना है, ठीक है, कंसाइज और प्रिसाइज, क्योंकि ये समुंदर टेक्निकल के कंपैरिजन में नॉन टेक्निकल का जो पार्ट है वो बहुत वास्ट है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि एससीएस लेवल पे आपको कहां तक जाना है, क्योंकि आप पढ़ते रह जाएंगे और वो खत्म नहीं होगा, हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होगा, ज्योग्राफी कभी खत्म हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको जानना है कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं एससीएस के लिए, तो आप लूसेंट जीके प्रीफर कर सकते हैं या अरिहंत का कर सकते हैं। लूसेंट जीके बहुत अच्छी बुक है, इसमें सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन पास पास एकदम दिए हुए हैं और पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, आपको याद रखना होगा। जब भी आप नॉट टेक पढ़े ना, तो बहुत ज्यादा रटने वाला टेंडेंसी मत रखिएगा, पढ़ते वक्त ना ऐसा रखिएगा कि आपके दिमाग में वो आता जा रहा है, जब रटना स्टार्ट करेंगे ना तो कितना रट पाएंगे, पूरा रट के आप नॉट टेक को याद नहीं रख सकते। लूसेंट जीके, अरिहंत जीके में से आपको ये सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो प्रतियोगिता सारांश से कर सकते हैं, या हरिराम पटेल सर की जो बुक है ऑब्जेक्टिव वाली इंडिया जीके की, उससे कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ने के लिए लूसेंट जीके या अरिहंत जीके, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रतियोगिता सारांश या हरिराम पटेल। छत्तीसगढ़ जीके सबको मालूम है, हरिराम पटेल सर की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, जो विशिष्ट अध्ययन है, बहुत अच्छी बुक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी, थोड़े आप जब पढ़ेंगे उसको तो एकदम आराम से पढ़िएगा, एक बार रीड मार लिए फिर सेकंड बार रीड मार लिए ऐसा कीजिएगा, एकदम रटना स्टार्ट मत कर दीजिएगा कि ये है ये ऐसा, तकलीफ होगा, रीड मारते चलिए समझते चलिए, पहले बार दिक्कत होगा, दूसरे बार थोड़ा कम होगा, तीसरे बार में दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उतेजा पब्लिकेशन का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक आता है, काफी अच्छा होता है, ग्रीन कलर की बुक आती थी, अभी भी ग्रीन कलर की ही है शायद उसका फ्रंट, वो अच्छी बुक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और थ्योरी पढ़ना है तो आप हरिराम पटेल सर की बुक से पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग का बहुत लोग पूछते हैं कि क्या करें, देखिए मेरा तो ये मानना है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता होती ही नहीं है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, अगर हम वहां पे अपना माइंड को लगा सके, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़ा वीक होता है ना, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, अंकगणित की एक बुक आती है शारदा पुस्तक भवन पब्लिकेशन की, ये बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, या आप यूट्यूब को प्रीफर कर सकते हैं, यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, वहां पे अपना टॉपिक डालिए, उस टॉपिक के 5-6 क्वेश्चंस कर लीजिए, बस हो गया। एक मैं टिप जरूर दूंगा कि एप्टीट्यूड रीजनिंग में ज्यादा समय मत दीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट या 45 मिनट बहुत होता है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, 2-2 घंटा लगा रहे हैं आप एप्टीट्यूड रीजनिंग के, बाकी सब कब पढ़ेंगे, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, कोई 2-3 टॉपिक उठाइए, उसके 4-5 क्वेश्चन कीजिए, बस हो गया, अगले दिन कोई और 2-3 टॉपिक, फिर अगले दिन 2-3 और टॉपिक, सब टॉपिक आपका 3-3 बार कवर हो जाएगा इससे। अब अगला है आपका करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के बहुत सारे मीडियम है, करंट अफेयर्स आप बहुत तरीके से पढ़ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मानने से न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जब आपको होगी तो अलग से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बहुत सारे आप में से न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ते होंगे, आप देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ता है उसका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, 4 आदमी जब खड़े होते हैं तो एक वार्तालाप जब होती है तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है उसके पास ज्यादा कंटेंट होता है कहने को, तो सेम चीज है एग्जाम के लिए भी, करंट अफेयर्स का मैक्सिमम पार्ट न्यूज़पेपर से कवर हो जाता है, आपको छत्तीसगढ़ की योजना बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, इवन इंडिया लेवल पे भी मैगजीन्स है कुछ वो आप देख सकते हैं, और यूट्यूब इसमें भी बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं आपके इंडिया जीके, इंडिया करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के लिए, वो आप देख सकते हैं और आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट है आपका नॉन टेक का, इंडिया जीके का मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ का बता दिया, एप्टीट्यूड रीजनिंग का मैंने बता दिया, और करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया। टेक्निकल के भी कुछ पॉइंट्स हैं या नॉन टेक्निकल के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आगे वीडियोस में बताते चलूंगा, तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, ये जनरल ओवरव्यू है, एक रोड मैप है किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट में कुछ ऐसे चीजें बताऊंगा जो देखा जाए तो ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरे मानने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ किसी एग्जाम को क्लियर करने में बल्कि जनरल लाइफ को जीने में भी, हमारा भी जो जीवन है किसी एग्जाम से कम नहीं है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत बड़ा मानते हैं, मेरा मानना है कि उससे बड़ा एग्जाम हम दे रहे हैं और देते चलेंगे जब तक हम हैं, हर पल हमको एक एग्जाम देना पड़ेगा और इससे मुश्किल मुश्किल एग्जाम हमको देने पड़ेंगे, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन में होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये है कि हाँ कुछ और चीज मैंने लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये सुनिए, समझिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और उसको पढ़िए,
आप जीके में जा रहे हैं तो पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो कितना पढ़ेंगे, ये तो बहुत बड़ा वास्ट पोर्शन है ना, कितना पढ़ पाएंगे आप। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा फॉलो करता था वो है एवरीथिंग एवरीडे। एवरीथिंग एवरीडे का मतलब है मैं टेक्निकल भी हर दिन पढ़ता था, मैं नॉन टेक्निकल भी हर दिन पढ़ता था। मैं टेक्निकल के दो सब्जेक्ट दिन में रखता था, मैं इंडिया जीके भी पढ़ता था थोड़ा, मैं छत्तीसगढ़ जीके भी थोड़ा पढ़ता था। एप्टीट्यूड रीजनिंग मेरा स्ट्रांग रहा है तो मैं नहीं पढ़ता था एप्टीट्यूड रीजनिंग। करंट अफेयर्स मैंने मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पे रिलाई किया था मैंने, और एक यूट्यूब चैनल जो है उस पे रिलाई किया था, बाकी हो गया था। एवरीथिंग एवरीडे का मतलब है कि कम से कम आप टेक्निकल के दो सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए, डेढ़ घंटा टेक्निकल के दो सब्जेक्ट को पढ़िए, डेढ़ घंटा या फिर दो घंटा दो सब्जेक्ट को कंप्लीट हुए। इंडिया जीके को दीजिए एक घंटा या एक घंटा डेढ़ घंटा, छत्तीसगढ़ जीके को दीजिए एक घंटा डेढ़ घंटा, ठीक है, और बाकी एप्टीट्यूड रीजनिंग को 30 मिनट, करंट अफेयर्स को 15 मिनट। तो ये होगा कि आपका दिन में ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोई पार्ट को छोड़ा है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 4 दिन मैंने छत्तीसगढ़ पढ़ लिया, 4 दिन इंडिया पढ़ लिया, फिर 4 दिन छत्तीसगढ़ पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। हर दिन सब कुछ होना चाहिए। अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिए। आप सर्वे पढ़ रहे हैं, सर्वे का 2 घंटा लीजिए, सॉइल पढ़ रहे हैं, सॉइल का 2 घंटा लीजिए, इंडिया जीके पढ़ रहे हैं, इंडिया जीके का 1.5 घंटा लीजिए, छत्तीसगढ़ जीके का 1.5 घंटा लीजिए। यहाँ पे आपके 7 घंटे हो गए और उसके बाद आधा 1 घंटा और पढ़ लीजिए। 7.5-8 घंटा से ज्यादा मत पढ़िएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है कि जितना आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। जबरदस्ती का 10-12 घंटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। बुक के सामने बैठ गए हैं लेकिन आपका माइंड नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं होने वाला। 7-8 घंटा ही पढ़िए लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कॉन्फिडेंस से। जब तक आपके मन में कॉन्फिडेंस नहीं होगा एग्जाम क्लियर करने का, आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। ये बात लिख के ले लीजिए। आप जितना भी आप पढ़ लीजिए, मन में नहीं आएगा कि मेरा से ये एग्जाम क्लियर होगा या तो नहीं हो पाएगा। और डिसिप्लिन से कॉन्फिडेंस आता है जब आप चीज को सोचते हैं और आप करते हैं। आप मान के चलिए मैं डिसिप्लिन में रहूंगी, मैं ये चीजें नहीं करूंगी, मैं ये चीजें करूंगी। बस ये चीज को आप 6-7 दिन फॉलो करके देखिए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। खुद में आप अच्छा फील करेंगे कि आप जो सोच पा रही हैं या सोच पा रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के बाद आपका फोकस, भटकना नहीं है। बहुत चीजें हैं करने को, सिलेक्शन के बाद करते रहिएगा। आपको जिससे मिलना है, जिससे बात करना है, जो भी डिस्ट्रेक्शंस हैं, या तो उसे एकदम मिनिमाइज कीजिए या फिर कम कीजिए या बंद कीजिए। अगर आपको वो पढ़ाई पे इफेक्ट कर रहे हैं तो उसे आपको समझना होगा। तो फोकस इंपॉर्टेंट है, पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि सब चीजें रातों रात हो जाती हैं या कुछ समय में हो जाती है। मेहनत लगता है इस एग्जाम में, मेहनत लगता है, बिना मेहनत के एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जितना मेहनत चाहिए एसीएस को क्लियर करने में, जब तक आप उतना मेहनत नहीं लगाएंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पेशेंस रखना जरूरी है, हड़बड़ाना नहीं है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि मेरा जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो एई में कैसे होगा। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? मेहनत करके देखिए, अपना 100% कभी आपने दिया है? जेई में क्या आपने 100% दिया था? आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कहते हैं। एक बार 100% दे के देखिए और उसके बाद बोलेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मैं सुनूंगा। जब तक आप अपना 100% नहीं दिए हैं, 60-70% दे के सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे जब तक आप 100 नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका हार्डवर्क इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना। कोई आपका शॉर्टकट नहीं है, कोई आपका ट्रिक नहीं है, कोई आपका ये नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करते हैं तब तक नहीं होता। बैठेंगे नहीं, खुद से पेन हाथ पकड़ के नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा। आपकी कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक दिन पढ़ लिए 9 घंटा और अगले दिन पढ़ लिए 2 घंटा, ऐसा नहीं चलता। 8 घंटा मतलब 8 घंटा हर दिन पढ़ना। संडे को आप अगर एक्सक्लूड कर सकते हैं, आप रिलैक्स हो सकते हैं, अलग बात है। मैं खुद का भी बता रहा हूं, मेरा कंसिस्टेंसी था 6-6.5-7 घंटा हर दिन पढ़ने का। मैं हर दिन 6-6.5-7 घंटा पढ़ता था। संडे को मैं 2-3 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन मैं हर दिन पढ़ता था। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, बुक को छुआ ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं जो बोलूंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी मैंने चीजें बताई है सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब आप अपना सोच को अच्छा नहीं रखेंगे आपके साथ अच्छा कभी नहीं होगा। जब आप व्यक्ति अच्छे नहीं बनेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। जब दूसरों के लिए आप अच्छा नहीं सोचेंगे आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो एक गुड हार्ट होना, प्योर हार्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, किसी भी सिचुएशन में ये बहुत जरूरी है। ये सब ऐड होता है, पता है।
हो सकता है कि आपका सिलेक्शन एक मार्क से चूक रहा हो और इसके चलते जो है कहीं ना कहीं से जो है आपको ग्रेस मार्क मिल जाए। ग्रेस मार्क समझते हैं ना, उसका कंसेप्ट बहुत सही है, अच्छे काम से ग्रेस मार्क मिलते हैं, यकीन मानिए। तो अपना जो दिमाग है, अपना जो मन है, अपना जो दिल है, उसे साफ रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, आपके साथ अच्छा जरूर होगा। और लास्ट में ये कहूंगा कि घबराना नहीं है, डेट आ गया, बहुत सारे लोग घबरा गए हैं कि क्या होगा कैसे होगा, ऐसा नहीं है। अपना मेहनत करते चलिए, 10 दिन 15 दिन बीतने दीजिए, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। बस इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। किसी भी चीज में दिक्कत होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज हमने बहुत सारी बातें की हैं और थोड़ा सीरियस बात भी किए हैं, तो लेकिन मेरा यही मानना है ना कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उससे आपको इतना होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन में वो मददगार होना चाहिए, हमारा एफर्ट पूरा रहता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।